हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर इंग्लिश का यहाँ पे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, ठीक है। इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर लिया है, देख लेना किस टाइप से आपका प्रश्न बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्पॉट द मिस स्पेल्ड आपको वर्ड दिया गया है, चारों ऑप्शन को देखते हैं। चारों ऑप्शन में एक गलती है, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो काउंटर फीट की स्पेलिंग में आपको क्या है, छोटी सी गलती है, उसमें क्या है कि काउंटर फीट में क्या है, एफ ई आई टी होता है, सी ओ यू एन टी ई आर एफ ई आई टी होता है, एफ ई होगा, ठीक है। यहाँ पे ई आई होगा, गलती थी। काउंटर फीट माने होता क्या है, नकली या फिर जाली, ठीक है, जाली बनाना या नकली कह सकते हो। और फिक्सियस माने होता क्या है, काल्पनिक कह सकते हो। ह्यूमिलिटी माने होता है विनम्रता या दीनता। और सब मिशन माने क्या होता है, प्रस्तुत करना या प्रस्तुतिकरण। अगला दिया दसवें नंबर में, दसवें नंबर में दिया गया आपका साइनोनियम। साइनोनियम मतलब होता है पर्यायवाची। अबेट माने क्या होता है, अगर आपको इसकी हिंदी आती होगी तभी कर पाओगा। अबेट माने होता है कम करना, कम करना। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाए लेसन। लेसन माने भी होता है कम करना, मिटिगेट माने भी कम करना होता है। चीज़ों को याद रखिएगा। चलो ऑगुमेंट माने क्या होता है, ऑगुमेंट, ऑगुमेंट माने होता है बढ़ाना। सप्लीमेंट माने क्या होता है, कह सकते हैं परसिस्ट। इंटेंसीफाई माने क्या होता है, बढ़ाना। ऑगुमेंट माने बढ़ाना होता है, इंटेंसीफाई माने बढ़ाना होता है, सप्लीमेंट माने क्या होता है, परसिस्ट। अगला दिया गया और लेसन माने कम करना होता है, अबेट माने भी कम करना होता है। तो ये साइनोनियम हो गए थे। कॉमोशन माने क्या होता है, कॉमोशन में क्या है कि डबल एम लगता है दोस्तों, ये आपकी नो ईयर में भी, नो ईयर में आ जाती है। तो कॉमोशन माने क्या होता है, ग्यारहवा नंबर है, मतलब होता है कि शोरगुल करना। कॉमोशन माने होता है शोरगुल करना या हल्ला करना, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट माने भी यही हो, हल्ला करना हो, यही हो जाता है। फिर उत्तेजना भी कह सकते हो, उत्तेजित होना या हो अल्लाह करना एक ही बात है। काल में माने होता है शांत, ठीक है। अब आपका अगला दिया गया है बून। बून माने वरदान होता है, वरदान। क्वाइटनेस, क्वाइटनेस माने होता है शांति या वैराग्य। अगला दिया गया 12-13 में एंटोनियम। एंटोनियम क्या है कि जस्ट अपोजिट, इसको विलोम शब्द आपको बताना है। विगिलेंट माने क्या होता है, 12 नंबर विगिलेंट माने होता है सावधान, ठीक है। तो अच्छी बात है सावधान है तो। अब दूसरा केयरलेस, लापरवाह है भाई, ठीक है। 12 का यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा। तो विगिलेंट माने होता है सावधान, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, निगलिजेंट बनेगा। निगलिजेंट माने होता है लापरवाह, लापरवाह हो जाएगा। वैसे पहला ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है, चार ऑप्शन को देखते हैं। परफंक्टरी माने क्या होता है बताइए, परफंक्टरी माने होता है असावधान, ठीक है। और केयरलेस माने क्या होता है, केयरलेस मतलब कि केयरलेस माने जो देख रेख न करे, केयरलेस माने जो देख रेख न करे। इन अटेंटिव माने होता है, बताइए जरा, इन अटेंटिव माने होता है आपका लापरवाह, ठीक है। और राइट ऑप्शन आपका वैसे देखा जाए तो यहाँ पर नेग्लिजेंट यहाँ पर राइट ऑप्शन बन रहा है। चलो अगला देखते हैं, पहला ही सही है इन चारों के हिसाब से। अगला दिया गया डिसडेन माने क्या होता है, डिसडेन, ठीक है। डिसडेन माने क्या होता है दोस्तों, माने होता है डिसडेन माने होता है अपमान करना, अपमान करना। तो दूसरा इसका क्या बन जाएगा, दूसरा इसका अप्रूव। अप्रूव माने होता है आपका कह सकते हो मंजूरी देना, एक तरफ अपमान कर रहे हैं एक तरफ मंजूरी दे रहे हैं, ठीक है। इसका प्रेस भी हो सकता था प्रशंसा करना। लोथ माने क्या होता है, लोथ, लोथ माने अनिच्छुक। स्क्वार्न माने क्या होता है, अपमान करना। और डिमोलिश माने क्या होता है, या फिर डिमोलिश माने होता है नष्ट करना, खराब करना, गिराना, ध्वस्त करना, जो कह लो आप लोग, ठीक है। राइट ऑप्शन दूसरा, अगला। चलो अगला दिया गया यहाँ पे आपका द फोर्थ स्टेट, ठीक है। द फोर्थ स्टेट दिया गया है, 14 नंबर प्रश्न है। इसका क्या होगा, तीसरा, 14 के यहाँ पे तीसरा यहाँ पे प्रेस हो जाएगा, द प्रेस, ठीक है। अगला दिया गया, ये इडियम्स था आपका। अब ये वन वर्ड आ गया आपका, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग आपका दिया गया, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज, ठीक है, आर किप्ड फॉर पोस्टमार्टम, ठीक है। तो मॉर्चरी होता है, आपको पता होगा, एम ओ आर टी U A R Y, फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पे, टी यू है फिर ए आर वाई, ठीक है, मुर्दा घर कह सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। चलो अगला दिया यहाँ पे 16-20 में क्या है कि आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। प्रपोजिशन से एक दो क्वेश्चन आपके दो नंबर तक फिक्स रहते हैं हमेशा। यू कम हेयर आई विल टीच यू, 16 नंबर प्रश्न है। तो इफ होगा, If you come here, I will teach you, ठीक है। अब इसका राइट ऑप्शन वैसे इसकी हिंदी चलो बता देते हैं, अगर तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा,
ठीक है, या फिर पढ़ाऊंगा टीच, ठीक है। तो इफ होगा यहाँ पे। 17 नंबर दिया गया, ही वांट्स नथिंग एल्स टू गो टू बेड। अब चीज़ों को याद रखो, नथिंग एल्स जब आता है नथिंग के बाद में आपका बट आता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ही इज अफ्रेड। अफ्रेड माने भयभीत होना, अफ्रेड के बाद में हमेशा ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ होता है, ठीक है। चलो अफ्रेड क्या हो जाएगा, ऑफ। 18 का राइट ऑप्शन पहला, अफ्रेड ऑफ गोस्ट। अगला दिया, ही हैज एसोसिएटेड हिमसेल्फ द डैश द लायंस क्लब। तो आपको बताया एसोसिएटेड के बाद में फिक्स प्रपोजिशन आपको बता चुके हैं विथ, पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया था। एडिक्टेड के बाद में क्या होता है, टू होता है, एडिक्टेड टू होता है हमेशा। तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यहाँ पे क्या है, तीसरा पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी मुझे पता है काफ़ी दोस्तों ने लाइक नहीं किया होगा काफ़ी, ठीक है। तो भाई प्लीज़ हो सके तो लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को लाइक करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है। आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, बहुत बुरा लगता है, तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।